A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत का तापघर कहे जाने वाले सिंगरौली में कोयले का अकूत भंडार है और यहाँ कई ताप ऊर्जा घर भी हैं। नतीजतन इस इलाके को बेहद संपन्न होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि यह गरीब और अत्यंत प्रदूषित क्षेत्र है। यहाँ के लोग असाधारण बीमारियों से जूझ रहे हैं। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने यहाँ जांच कर पाया कि कोयले में पाया जाने वाला घातक विषैला तत्व पारा धीरे धीरे लोगों के घरों, भोजन, पानी और खून में भी प्रवेश कर रहा है। देश को कोयला और बिजली देने वाला जिला सिंगरौली, जिसे ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है, आज वहां की आबोहवा में प्रदूषण ने महामारी का रूप ले लिया है, जिससे खेती के साथ ही साथ मानव जीवन के लिए भी संकट पैदा हो गए हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज सिंगरौली का AQI दिल्ली की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। कोयले से निकलने वाले धुएं में मरकरी की भारी मात्रा पाई जा रही है, जिससे लोगों की हड्डियां गलने लगी हैं। यहां तक कि नदी नालों के पानी में मरकरी की बढ़ती मात्रा से मछलियों के जीवन को भी खत्म कर दिया है। सिंगरौली में प्रदूषण से बेकाबू हालत का मामला NGT में भी पहुंचा है, जहां NGT की हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट बनाने सिंगरौली भेजी गई है और कमेटी ने लोगों के बाल और ब्लड के साथ ही मिट्टी, पानी और फसलों के सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि सिंगरौली जोन में 11 थर्मल पावर प्लांट, 16 कोल माइंस, 10 केमिकल कारखाने, 8 एक्सप्लोसिव इकाई, 309 क्रशर प्लांट और स्टील और एल्यूमिनियम के एक एक उद्योग हैं। NGT की रिपोर्ट के मुताबिक इन उद्योगों से 45 लाख टन कचरा हर साल निकलता है। इसमें से अकेले 35 लाख टन कोयले की राख है। इसका निस्तारण सही तरीके से न हो पाने और परिवहन खुले रास्ते से होने से इस राख से जीना दुभर हो गया है। सिंगरौली जिला आकांक्षी जिला है, जिसमें केंद्र सरकार की कई योजनाएं शुरू हैं और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के नियंत्रण और स्वच्छता के लिए प्रशासन समय समय पर नवाचार करता है। जैसे जिला प्रशासन ने 42 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, जहां कचरे से खाद बनाकर यह खाद खेती के उपयोग में लाई जाती है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए की लागत के स्वच्छता उपकरण खरीदे गए हैं। पर इस सब के बावजूद भी आज सिंगरौली जिले में लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। क्या समस्या भोला यहाँ? पानी यहाँ समस्या बहुत हो रहा है। बोतल से पानी कम ही आते हैं, भरी पानी नहीं रहता। स्नानों करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। आने जाने के लिए हमन के गाड़ी घोड़ा नहीं है, पर डाक पर है, गल्ला वल्ला यही रहला। हमन के ले जाए के लिए बहुत भारी समस्या है। इसी नदी का पानी आप लोग पीते हैं? तो का करी, तो जब घर से नहीं आ पा रहा तो कहें जाए घोट ही किया। सरकार मदद नहीं? हाँ, सरकार मदद कहिया ले। हमरे 2-3 अर्जी दे दे वाली, लेकिन सुनाई नहीं है कुछ है। मजबूर कहूँ घूम कर उसे ट्रैक्टर आई तो हो इसे आई तो गट्टा काटब तो फिर उन्हें जा पा रही है, में जा ही नहीं पा रहे। ट्रैक्टर कुछ जोतना धो के गल्ला ढोवे के बहुत भारी समस्या हुआ हम लोगों का। इस नदी में नहाने से, इसका पानी पीने से क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या होती है यहाँ, जहाँ पानी 10 रोज अगर पी दे लगातार, वहाँ जुलाई खोखी धरे लगी, गला बढ़ जाए यह पानी में। टैंकर NCL लगा के रखा है, लेकिन एक टैंकर पानी तो नहीं गिर रहा है यहाँ। बाइक सवारों की क्या स्थिति है? बाइक सवारों का आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी की तरह पिला जा रहे हैं, तो क्या करिए। देखने में लग रहा है कि दिन के दोपहर के समय भी अंधेरा हो जा रहा है प्रदूषण से। हो ही रहा है ना, देख रहे हैं कुछ रोड नजर नहीं आ रहा है। आदमी बाइक लेके चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहे हैं तो हम लोगों की मजबूरी है। जान जोखिम में डालकर बाइक सवारों को यात्रा करनी पड़ रही है। बिल्कुल। आपको कहाँ कहाँ कोयला लग जाता है बाइक लेके निकलते हैं तो? अरे बाइक लेके निकले तो देखिए आंखें मुंह का हाल क्या हो गया। मैं अभी तुरंत ही कैंप से ही बाहर निकला हूँ और मुश्किल से आधा किलोमीटर आए हुए हैं। अब यहीं पे हम समस्या का पूरा धूल देख रहे, घर के अंदर घुस रहा है। आदमी सोता है फिर भी नाक कान में हर एक चीज घुस रहा है। प्रदूषण बहुत ज्यादा आया, पानी सिंचाई नहीं हो रहा। का नंबर? मान प्रसाद घसिया। अपन दुखड़ा बताओ। हाँ, ये देखो हम यही तो नहाते हैं पानी में, पीते भी हैं। कम से कम हमको
पचासन साल हो गया यहीं रहते हैं, हमारा घर है यहीं, तो हम कहाँ जाएं? यही पी करके मान लो 10 साल में 5 साल दो रोज में एक महीना नहीं बीता तब वो जर बुखार चढ़ा जाला। सरकार हमको मदद नहीं कर रहा है, क्या करें हम, मरें इसे कि कुछ देख कुछ सोचना हमको दो भाई, कुछ दवाई भी दो हमको करो सरकार आकर के देख ले, देख लो आकर के हाँ पानी कैसा दे रहा है, कैसे पिए, कहाँ पिए, कैसे रहे, यही पानी पीते हैं हम लोग भाई, नहाते हैं धोते हैं तो यही पिएंगे, कहाँ जाएं।